हेलो, वेलकम टू आदित्य 111DDD यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक बोर्ड है NMB453। इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या था, एक्चुअली जब ये मेरे पास आया था तो ये टेम्पर्ड बोर्ड था, कोई काम कर रखा था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ देखो, हाँ ये पूरा कॉइल सब निकला हुआ था। ये हमारा ग्राफिक्स का कॉइल है, आयो पे पूरा काम किया हुआ था, आयो को तो मैंने सही किया है। इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या था, जो एम्पियर ले रहा था ये बोर्ड हमारा लगभग 400 के करीब, बट रीसेट नहीं ले रहा था और डिस्प्ले नहीं दे रहा था। ठीक है, जब हम इसको चेक किए पूरा स्टेप वन बाय वन, जब हम चेक किए और इसमें हम आपको दिखा दें, ये DDR4 स्लॉट है, DDR4 रैम है और ये 6th जनरेशन है। मे भी हम चेक कर लेते हैं SR3LA। ये हमारा 8th जनरेशन i5 8th जनरेशन है ये बोर्ड। ठीक है, रैम स्लॉट हमारा DDR4 का है। जब मेरे पास ये कल आया था उस समय जब हम चेक किए थे तो क्या था इसमें प्रॉब्लम, बोर्ड ऑन हो रहा था 400 के अप्रॉक्स ये एम्प ले रहा था और इवन डी रैम रीसेट भी बन रहा था। ठीक है, बट ये डिस्प्ले नहीं दे रहा था, वो रीसेट ले नहीं रहा था तो उसके कारण ये डिस्प्ले दे नहीं रहा था। अभी क्या स्थिति है अभी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये बोर्ड फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले देने में टाइम लगा था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो ये कीबोर्ड पे देख सकते हैं ये डिस्प्ले दे दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या था हम आपको प्रॉब्लम बता दिए हैं और सॉल्यूशन क्या था जब हम देखें। ये हमारा एक IC है, आप देख सकते हैं रैम IC। ठीक है, जो कि PU500 है। PU500 हम आप मेरे पास स्कीमेटिक अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ देखो PU500। इसमें क्या था, इससे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा कितना वोल्ट निकलता है, 2.5 DDR का, 1.8 निकलता है LDO। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.0 निकलता है, 1.0 के बाद ये हमारा ये 3 वोल्टेज यहाँ से इस IC से निकलता है। ठीक है, ये सब हमारा फीडबैक हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जब हम चेक करना स्टार्ट किए वन बाय वन तो ये 2.5 वोल्ट DDR इनेबल ये वोल्टेज जो है हमारा ये आ तो रहा था, लेकिन हमारा यहाँ से 2.5 वोल्ट क्या है ना आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, इवन आउट नहीं हो रहा था कितना वोल्ट, 0.6 वोल्ट आउट हो रहा था। तो सिंपली हम क्या किए, इस पैड को ओपन किए और जहाँ जहाँ ये वोल्टेज जाते थे किसी एक कैपेसिटर पर मैंने बक कंट्रोलर से हम वहाँ पर 2.5 वोल्ट डाल दिए।
और उसके बाद क्या हुआ, जो बोर्ड हमारा ऑन हो गया, यानी कि ये हमारा 2.5 वोल्ट मिसिंग था, जिसके कारण हमारा हर चीज बन रहा था, मतलब इवन डीरैम रीसेट तक बन रहा था। इसका डीरैम रीसेट में भी 108 नंबर पिन होता है, हम आपको दिखा देते हैं। सीपीयू डीरैम रीसेट, सीपीयू डी रैम रीसेट 108 नंबर पिन आप देख सकते हैं। इस पिन पे जब हम चेक किए थे तो हमको इवन डी रैम रीसेट 1.2 वोल्ट भी मिल रहा था, लेकिन हमारा बोर्ड डिस्प्ले नहीं दे रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर हम आपको दिखाएं चेक करके, अभी हम आपको डिस्प्ले दिखा दिए हैं, ठीक है, अभी हम आपको डी रैम रीसेट भी दिखा देते हैं। 108 है ना, दिखा इधर, देखा मीटर में आप देख सकते हैं 108 पे है, ये हमारा डी रैम रीसेट है। और इवन अब हमारा डिस्प्ले भी आ गया है, ठीक है, यहाँ देखा, ठीक है, ये डिस्प्ले भी आ गया। तो क्या है जो अब हमारा सब कुछ, क्योंकि अब इस बोर्ड में मैंने किया क्या वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा 2.5 वोल्ट का पैड था, इस पैड को हम ओपन कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रैम को यहाँ पे जा रहा था 2.5 वोल्ट, ठीक है, यहाँ हम इस कैपेसिटर पर 2.5 वोल्ट डाल दिए हैं, इनपुट हम यहाँ से 5 वोल्ट VS से ले लिए हैं, उसके बाद हमारा ये चल गया। मींस क्या है, जब हम चेक किए तो हमको पता चला ये वाली जो IC है, ये IC खराब है, हमारी वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही थी। और इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम जो है ये कॉमन है, क्योंकि मेरे पास एट ए टाइम दो बोर्ड आया था जिसमें हम चेक किए तो दोनों बोर्ड में यही मिसिंग था हमारा, ये 0.6 2.5 की जगह पर हमारा 0.6 वोल्ट बन रहा था। तो इस तरह से ये केस हमारा सॉल्व हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस था, इसलिए हम चाहे आप लोगों से शेयर करना। सो थैंक यू। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द नॉलेज ऑन बायस मॉडिंग, यू कैन जस्ट परचेज आर हिंदी एडिशन, ऑल द वीडियोज are available already, and along with that there are many case studies as well as some videos theoretically on impedance and voltages are also there, with the help of DSO how you can check the motherboard are also included on those videos. The complete package is of around 40 plus videos. You can, if you like, you can just purchase them. It is a full of knowledge, you can enjoy the videos, and it is a 100% money back videos, your money will not be wasted for that. So if you like to join our bias and schematics group, you can also contact us for joining that, as well as we also have a training program of laptop chip level, advanced level. If you like to join that, you can also come and join that. So thanks for watching Aditya 111TTT YouTube channel. If you like our channel, do hit the subscribe button, like, share and comment. Thanks a lot.